हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिन पे आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तो मैं यार धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि वर्सेटाइल हम टॉपिक्स को कवर करें जो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो। इसी के साथ यार जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है आज की वीडियो में कि आप जब भी इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये जो है ना आज के टाइम में ये टॉपिक जो है ना वन ऑफ द मेजर कंसर्न बन गया है। कुछ को प्रेगनेंसी में, किसी को नॉर्मली बहुत यंग एज में, जो किसी टाइम पे एक एनीमिया का कॉज सिम्टम मानते थे हम कि यार एनीमिया की वजह से ये चीज है, बट आज के टाइम में यार लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन, लैक ऑफ मिनरल्स, लो मेटाबॉलिज्म, इन सब की वजह से भी झाइयां जो है वो फॉर्म हो रही है। तो आज का टॉपिक आप लोग समझ ही चुके होंगे, आज का टॉपिक है झाइयों पे। उससे पहले यार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप सब लोग कैसे हो, कैसे जिंदगी चल रही है, कैसी कट रही है, ये मत लिखना यार भाई बहुत परेशान है। खुशी खुशी मतलब अपने बारे में कुछ कुछ सब लिखना कि मैम ये चीज है, इस तरह से हम जी रहे हैं, इस तरह से लाइफ है। और यार आज की वीडियो में ना आप सब लोग ना अपने सपने जरूर बताना, मैं कमेंट सेक्शन सारे रीड करूंगी इस वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में ना उसमें से कुछ कुछ लोगों को चूज करके बताऊंगी यार बहुत डिफरेंट ड्रीम है, बहुत डिफरेंट चीजें हैं, तो आप लोग सब ये चीज जरूर बताना। और थैंक यू सो मच पुरानी वीडियोस को फिर से इतना प्यार देने के लिए। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक और मेरे दिमाग में चीज आ गई जो कि बहुत लोगों ने पूछा था, और ये चीज ना मैं खुद से भी कवर करना चाहती हूँ कि हम हमेशा ना मैनेजमेंट बताते हैं कि ये डाइट से इतना कंट्रोल करे, बट उसके बाद उन चीजों को कैसे मैनेज करे वो कभी नहीं बताते। मानो रेमेडी से आप ठीक हो गए, उसके बाद हाउ टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज, उसको हम कैसे करें, तो ये मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को कंपाइल करूंगी, फेस को लेके, हेयर को लेके, वेट लूज को लेके, कि हम कैसे उन चीजों को जब आप एक बार ठीक हो जाएं मेंटेन कर सकते हैं। तो यार आज मैं बात करूंगी पिगमेंटेशन, मेलेज्मा, झाइयां जिसको हम बोलते हैं, फ्रैकल्स, ब्राउन स्पॉट्स का फॉर्म होना, इन सब पे। तो यार बहुत से लोगों को ना यंग एज में आज के टाइम में पिगमेंटेशन का इश्यू होना स्टार्ट हो गया, चाहे वो नोज से स्टार्ट होती है, लाइट स्टार्ट होती है, हल्की होती है, तो यार उसके लिए हम लोग नवारा ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब इतना अमेजिंग इफेक्ट है, मैं इस पे अभी आपको एक पिक अटैच करूंगी। वो एक बॉय है, उनका मैंने स्टार्ट किया था, 1 मंथ उनकी ऑरल मेडिसिन रही, उसके साथ मैंने सिर्फ अभी 2 सिटिंग दी है, और उनकी 2 सिटिंग में आप डिफरेंस देखना। तो उनका हम ट्रीटमेंट करें, अगर आप लोग भी विजिट करना चाहते हैं तो लोकेशन उत्तम नगर में आप विजिट कर सकते हैं। 2 होम रेमेडीज बताऊंगी बहुत ही सिंपल, और साथ में कुछ डाइट कि क्या आपको करना है। सबसे पहले मैंने कारण आपको बता दिए, अब क्या रेमेडी आपको फॉलो करनी है। यार पिगमेंटेशन पे ना जो आलू होता है रिच इन स्टार्च पोटैटो, वो बहुत अमेजिंग वर्क करता है। आपको पोटैटो का पेस्ट जो है वो बनाना है, पोटैटो को ग्राइंड करके, और उसमें लगभग 1/4 स्पून जो है चंदन पाउडर ऐड करना है, सफेद चंदन का इस्तेमाल करना है आपने। यहाँ पे पोटैटो को ग्राइंड कर लिया, मैश कर लिया, उसमें 1/4 स्पून सफेद चंदन डाल लिया, अच्छे से पेस्ट बना के पूरे फेस पे अप्लाई करना है, और 20-25 मिनट्स कंटिन्यूटी उसे रहने देना है, उसके बाद धीरे धीरे स्क्रब करके उसे वॉश करना है। अगर आपके पिगमेंटेशन जो झाइयां बन रही हैं वो बहुत सुपरफिशियल है, ब्लेमिशेस जो फॉर्म हो रहे हैं, सुपरफिशियल मतलब हमारी स्किन के 6 लेयर होती है, नीचे तक इन्वॉल्व नहीं है, वो नीचे से नहीं उभरी है, तो आपको 15 दिन में इफेक्ट दिखने लग जाएगा। और अगर बहुत डीप लेयर है उसमें क्या होता है, ऊपर की साफ होती रहती है और उभरती रहती है, वहां पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, वहां पे होम रेमेडी वर्क नहीं करेगी। सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहेगा कि उतना इफेक्ट करेगी, लेकिन आप बोलोगे 100% वो चीज पॉसिबल नहीं है, उसके लिए ये नंबर है। आप हमसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अगर आप बाहर लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदा से। पीलिंग नहीं करवानी है, स्किन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव कर देती है और बहुत ज्यादा उसके हार्म है। तरह तरह के ऐसे फेस वॉश यूज नहीं करने जो ऊपर से स्किन को निकाल दे और फिर उसको दोबारा से नीचे के लेयर उभार दे, क्योंकि यार मैंने बहुत सारे केसेस देखे मेरे पास, जब पेशेंट विजिट करते हैं ना, पीलिंग के बाद जो उनकी स्किन का हाल होता है वो डबल हो जाता है उससे, तो वो नहीं करवाना है। सेकेंड, बहुत ही सिंपल स्टेप है, लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल पे बिल्कुल नए हैं या पुराने भी हैं, वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करना है, तो ये थोड़ा सा एप्रिसिएशन बनता है। तो सेकंड जो स्टेप है वो है राइस का मिक्सचर।
अब राइस का मिक्सचर कैसे लगाना है, यानी कि राइस मास्क, वो आपके स्किन को बहुत जल्दी विटामिन ए रिच है, नरिश करेगा और बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट देगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो क्या है, आपको लेना है राइस मास्क बनाना है उसका। इसके लिए आपको नॉर्मल राइस यूज करने हैं, बासमती यूज नहीं करना है, जो नॉर्मल परमल होते हैं, जिनको हम परमल राइस बोलते हैं, ठीक है, वो रिच रहता है, रिच सोर्स है वो। उसमें आपको क्या करना है, कच्चे दूध को मिलाना है, गाय का हो या भैंस का हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी जगह पे ऐसा है कि लोग बकरी के दूध का आज भी इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट बनाना है, पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है और उसको 15 मिनट लगे रहने देना है। उसके बाद धीरे 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 स्क्रब करके वॉश कर लेना है, हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपको इसको फेस को देनी है स्टीम, और वो किस चीज की स्टीम देनी है, वो देनी है आपको बेसिल लीव यानी तुलसी के पत्ते और मिंट लीव यानी पुदीने के पत्ते। एक पैन लेना है, 3 से 4 तुलसी के पत्ते, 3 से 4 पुदीने के पत्ते पानी में बॉईल करने हैं, गैस बंद करनी है, हैंकी को सोक करना है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फेस पे उसको इस तरह से लगाना है और उसकी स्टीम देनी है। एक बार मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बेसिल लीव की स्टीम बताई थी, अगर आपने नहीं देखी आप पीछे वीडियो देखी है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग बेनिफिट है। मतलब वन डे स्किन चैलेंज था, उसमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला था, तो आपको भी मिल सकता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर पिगमेंटेशन नीचे से उभर रही है ना यार, और सुपरफिशियल नहीं है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की आपको जरूरत होगी ही। अब डाइट में हमें क्या ऐड करना है, बहुत सिंपल, मिक्स सीड्स, सनफ्लावर हो गया, अलसी हो गया, जो भी आपको मिक्स सीड्स मिल रहे हैं, 1/2 से 1 चम्मच आपको डेली डाइट में लेना है। चुकंदर, बीट रूट बहुत अमेजिंग वर्क करता है। डेली 50 ml के अप्रॉक्स मिक्स वेज जूस लेना है, कोई भी, लौकी हो गया, पालक के पत्ते हो गया, कुकुम्बर हो गया, टोमेटो, सबको मिक्स करके बना के। ये 3 चीजें आपको ऐड करनी ही करनी है किसी भी हालत में। तो ये रेमेडी जब आप लोग स्टार्ट करोगे, कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपने स्टार्ट किया है, 1 वीक में आपको कैसा रिजल्ट मिला वो बताना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें कितने दिन इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। आपको यार, आप इन दोनों में से कोई भी एक रेमेडी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप दोनों भी स्टार्ट करेंगे कोई हार्म नहीं होगा। एक मॉर्निंग करना है, दोनों रेमेडी में कम से कम 6 घंटे का गैप होना चाहिए, दोनों स्टेप में 6 मिनिमम है, मैक्सिमम 8, 9, 10, जो आपके टाइम के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी हो आप वैसे कर सकते हैं। आपको इसको एन नंबर ऑफ डेज आप यूज कर सकते हैं, लाइक 1 मंथ आप यूज कर ले, 1 वीक का गैप दे दे, 1 मंथ यूज कर ले, 1 वीक का गैप दे दे। लेकिन दिमाग से ये चीज नहीं निकालनी कि अगर बहुत पुरानी हो गई है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये सपोर्ट करेगा ट्रीटमेंट की जो वो होती है ना, एक रिजल्ट मिलने को, उसको एनहांस करेगा, बढ़ाएगा, उसको कम नहीं करेगा, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। और यार, हमने झाइयों के लिए ना मिरेकल ऑयल बनाया है, वो इतना अमेजिंग वर्क करता है, और वो 1500 की पैकिंग है, वो 10 ml की, उसमें जो है हम स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल करते हैं और भी काफी सारे कॉम्बिनेशन है, और आपको एक बार परचेज करना है, वो कम से कम 3 से 4 महीने आपका यूज होता है, जस्ट 4-4 ड्रॉप आपको यूज करना होता है, इतना छोटा सा ड्रॉपर होता है, फेस पे लगाना है रात को सोने से पहले, और मसाज करना है 10 से 15 मिनट, बहुत अमेजिंग वर्क करेगा, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारा फेस मास्क है, फेस वॉश है, ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यार, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं करा ना और सारे इन्फॉर्मेशन ले रही है, तो ये चिटिंग है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसी तरह खुश रहो, हेल्दी रहो, और उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देते रहो। थैंक यू।